अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। फाइनली मैं गोरखन से पूछ के पहुंच गया वाली साहब की आपके कब्र पे। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी हुई, 10 मिनट लगे। गोरखन को मैंने क्या कहते हैं पिक वगैरह दिखाई वाली आपके वाली साहब की कब्र पे ना, तो वो पहचान गया वगैरह। हाँ, वकील साहब वगैरह आते हैं इधर ना, तो वो पहचान गया, वो सीधा मुझे वहीं कब्र पे ले आया। ठीक है ना, अभी यह है कि पानी वानी का भी इंतज़ाम है, सब कुछ है। ठीक है, गोरखन को पैसे दिए हैं, वो जो है फ्लावर्स वगैरह लेने के नहीं गए, फूल वगैरह लेने के नहीं गए, आता है तो वो अभी मैं प्रॉपर तरीके से सब कुछ डाल दूँगा। ठीक है, अभी मैं ऑनलाइन नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा नेट वगैरह ना अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है। ठीक है, तो घर पर जाके फिर मैं आपको ये पिक वगैरह सेंड कर दूँगा। ठीक है, और इंशाल्लाह अम्बे ने कब्र वगैरह देख लिए। ठीक है, यह है कि अब मैं आता जाता रहूँगा, क्योंकि संडे के संडे तो मैं आता हूँ ना अपने फ्रेंड्स वगैरह की कब्र पे। ठीक है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आ रहे। गोरखन वगैरह गए हुआ है, फूल वूल लेने गए हुआ है, आता है, मैंने उसको पैसे दिए, आता है तो फिर मैं क्या कहते हैं वो डाल देता हूँ, फूल वगैरह और पानी वगैरह डाल देते हैं, अच्छे से इसको वॉश कर देंगे। अल्लाह अकबर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कब्र चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाइए कब्र ही कब्र हैं। ठीक है, और बस अब ये दुआ है कि पाक परवान का जब हमारा भी वक्त आए तो हमको भी यहीं आना है। असली घर तो हमारा यही है, ठीक है, हम सब ने यहाँ आना है। ठीक है, उससे बेहतर है कि दुनिया में रहते हुए ही हम जो है अपनी अपना मकान ख़ुद अपने हाथ से ख़रीद लें, मकान से मुराद के ख़ुद अपने ही हाथ से अपनी कब्र तैयार करके इस दुनिया से जाएं। ठीक है भाई, तो भाई लम्हे फिक्रिया है, सोचें। ठीक है, हम लोग जो है ना दुनिया की आसाइशों में इतने उलझे हुए हैं, इतने क्या कहते हैं बिज़ी हो गए दुनिया के अंदर कि हम आखिरत को भूल गए, अपने दीन को भूल गए। ठीक है ना, तो ये क्या कहते हैं आना चाहिए। ठीक है, कब्रिस्तान ज़रूर आना चाहिए, इससे ये है कि फिर आपको आइडिया रहता है, फिर आपको एहसास होता है कि हमने भी यहीं आना है। ठीक है ना, अब आप थोड़ी सी मेरी भी पिक्चर देख लें भाई। हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है, सब ठीक ठाक है। गोरखन को मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है, वो आता है फ्लावर्स वगैरह लेने के लिए कह हुआ है। ठीक है, वो आते हैं तो फिर हम इस पर पानी वगैरह डालते हैं। ठीक है, आई थिंक आ गया, सामने आ रहा है। ठीक है, यस 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 यस, पानी ये आप देख रही हैं कि सामने आ गया। ला शाबा, पहले मुझे पैसे दे दे बेटा, पहले इसको सफाई कर दे। ठीक है, ये जो थोड़े हैं ना ये दे दे, फूल मैं खुद डालूंगा, तुम ये पानी डाल दो। ठीक है, आते आते बेटा वो अभी नहीं आ रहे, कल आए थे। अच्छा, चलो अच्छी बात है, आराम से डाल बेटा, कोई जल्दी रही। हाँ, इसको ना सब साफ कर दे, शाबाश, इसको सब साफ कर दे। हैं, कर लेगा बेटा, वो खुद कर लेगा, मसला नहीं है, वो खुद कर लेगा। आराम से बेटा, मार्बल वगैरह नहीं टूटे, सही है। हाँ। क्या सीमेंट लगा हुआ है? हाँ। अच्छा, ये बनाया था ना, सही। बारा
अभी ये फूल कम पड़ेंगे बेटा, और लिया 50 रुपए का और लिया है, ले आओगे? चलो ये ले आएगा, बस बेटा बस कर बस कर, अभी इस पे पानी डाल देगा ना तो साफ हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा पानी नहीं जाया किया करो बेटा, गुना होता है पता है। हाँ बस इसको सबको धो ले शाबाश, ऐसे हाथ से करता जाएगा ना तो साफ हो जाएगा सारा। दूसरी भी कबर हुए हैं। हाँ सही है, ठीक है ठीक है। एक और बार आ रहा हूँ तो मैं वह किसान हो जाऊँगी इन्होंने देर में खराब करना जी लो ये तेरा ना अभी अच्छा चल बस ऐसे यहाँ छिड़क दो सब पे आराम। हाँ बस कीचड़ ना हो बेटा, ठीक है? ऊपर भी डाल दो कर, हाँ इधर शाबाश। जा जा बेटा और ले गया, ठीक है? ये कम कम पड़ जाएंगे। अभी मैंने और फ्लावर्स मंगाए, वो बच्चा कम लेके आ गया था, ठीक है? अभी मैंने और मंगाए हैं और लेने गए वो। बहुत माजरत, क्या कहते हैं, कब्रिस्तान में वैसे कब्र में पिक्चर खींचना मूवी बनाना बहुत बुरी बात है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे बस, ठीक है? अल्लाह रहम करे हमारे हालात पर भाई। हाँ जी, एक कबर पे तो हमने डाल दीजिए आपके वालिद साहब के, उस पे तो डाल दीजिए फ्लावर्स वगैरह, और बाकी थोड़े कम पड़ गए हैं, वो बच्चा लेने के लिए गोरकन लेने के लिए गए, वो आता है तो हम दूसरी कबर पे भी डाल देते हैं।
इसी कब्रिस्तान में फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे कुलीग थे, ऑफिस के कुलीग थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे मेरे, समझो कि भाइयों से भी बढ़ के था वो बंदा मेरे लिए ना। उसकी भी 5 साल पहले डेथ हो गई थी, तो यहीं तदफीन हुई थी। सॉरी यार, मैं इतनी सारी वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 10-12 मिनट की हो गई है, माइंड नहीं कीजिएगा। वैसी बना रहा हूँ, ठीक है। बस वो आता है तो दूसरी कवर पे भी हम डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फातिहा पढ़ के फिर मैं इंशाल्लाह यहाँ से निकलता हूँ, फिर फ्रेंड्स की कवर पे भी जाना है। ये कि ये मैं पूरी वीडियो आपको जो है ना व्हाट्सएप कर दूँगा। और वो गोरकन बता रहा था कि बच्चा बता रहा था कि वो क्या कहते हैं, आपके चचा कल आए थे, ठीक है, कल वो यहाँ कब्र पे होके गए। हाँ तो जी, तो भाई मैं ये कह रहा था कि हम लोग अपनी दुनिया में इतने बिज़ी हैं, ठीक है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे भी ख्याल करने की ज़रूरत है कि यहीं इसी दुनिया में रहते हुए हम अपने इसी घर का, जहाँ इस घर में हमें आना है, इसी घर का इंतज़ाम करके रखें पहले से, ठीक है ना। मेरी भी अल्लाह मियाँ से बड़ी ख्वाहिश है कि क्या कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में ही खुद अपने हाथ से अपनी कब्र तैयार करके जाऊँ। बस जी अल्लाह मियाँ हम सबको नेक हिदायत दे, यहाँ आन के यकीन करें इतना सुकून मिलता है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये कि मेरी काफ़ी सालों से, अब से नहीं, 20-22 साल से ये रही है प्रैक्टिस कि मैं जो है ना हर संडे के संडे, या अगर संडे को टाइम नहीं मिलता तो आम वर्किंग डे में मैं आ जाता हूँ इधर कब्रिस्तान, ठीक है। और ये है कि आता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, सही ना। वो आप देख सकते हैं बच्चा आ गया भाई, आ गया, ज़बरदस्त। बेटा ये भी हटा ले, ये हटा के फूल डाल दे, ठीक है, इस कब्र पे भी, शाबाश। और ये क्या ये पत्थर भी हटा लेना, हाँ शाह। चलें, अच्छी बात है, अज़ान का टाइम हो गया, ठीक है। फिर ये घर पे जाके मैं ये क्या कहते हैं वीडियो वगैरह आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं बच्चा फूड डाला है, उसके बाद मैं फातिहा पढ़ के निकलता हूँ, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।